राजस्थान सरपंच संघ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में 19 जुलाई सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में मांग पत्र पर जो सहमति बनी थी उस पर अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं होने से नाराज सरपंचों ने दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया व रफीक पठान ने बताया है कि आज संपन्न हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व सरपंच संघ के अधिकांश जिलाध्यक्ष शामिल थे। बैठक में सबने एक मत में आवाज उठाई कि अपने हक व अधिकार पाने के लिए आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाए। इसके तहत सभी सरपंचों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि एक महीने के अंदर अंदर लंबित मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय अगर नहीं लिए गए तो दोबारा से आंदोलन किया जाएगा और इसके तहत पहले पंचायत समिति स्तर पर ज्ञापन देना और उसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना शामिल है। इसके बाद विधानसभा के आगामी सत्र पर विधानसभा का घेराव पर 2 अक्टूबर से सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन गाँवों के संघ शिविर का बहिष्कार शामिल है। बैठक में मुख्य रूप से सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रोशन अली, संरक्षक भंवरलाल जानू, संयोजक गोविंद सिंह लांबा, प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान, जयराम पलसानिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़, गोपाल शर्मा, हंसराज गुर्जर, अशोक कुमार सोलंकी, अर्जुन सिंह गोड, प्रदेश मंत्री बाबूलाल मीणा, अर्जुन लाल यादव, सुरेश भाट, वेद प्रकाश खटीक, राम प्रकाश बीरवा, महेंद्र कुमार यादव, गोपाल शर्मा, तारा पूनिया, हंसराज पालना, राज सिंह चौधरी, लखनलाल मीणा, मोइनुद्दीन गुड्डू सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।